बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी और रिफ्रेशिंग लस्सी बनाएंगे। आज हम बहुत ही मज़ेदार और लस्सी भी आज हम बनाएंगे मैंगो लस्सी, क्योंकि मैंगो का सीज़न है और मैंगो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं और इतने मज़ेदार किस्म के आम आजकल मार्केट में आए हुए हैं। तो आप भी आम के साथ लस्सी बना के तैयार करें, बहुत ही मज़ेदार किस्म की बन के तैयार होती है और टेस्ट में भी बहुत लाजवाब, हेल्दी और रिच किस्म की लस्सी बनेगी। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, जो कि बिल्कुल फ्री है। लस्सी बनाने के लिए मैंने लिया है ब्लेंडिंग जार और इसमें मैंने एक कप भर के मैंगो का डाल दिया है और इसके बाद एक कप भर के हम इसमें दही का डालेंगे। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद इसमें अब हम मिल्क डालेंगे, जो ये भी मैंने एक कप भर के इसमें डाला है। ये सब चीज़ें डालने के बाद फिर इसके अंदर हम डालेंगे शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आम ज़्यादा मीठा है तो आप शुगर को कम डालें, वरना आप इसमें शुगर अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। हाफ़ कप इसमें मैंने शुगर का ऐड किया है और अब इन सब चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इन सब चीज़ों को आपने इस तरीके से मिक्स करना है कि दही, दूध और आम जो है ये सब एक लिक्विड फॉर्म में बन के तैयार हो जाएँ। तो ये सब चीज़ें देखें बहुत शानदार तरीके से इसमें मिक्स हो रही हैं। अब लस्सी हमारी देखें बहुत शानदार तरीके से बन के तैयार हो गई है। तो जैसे ही लस्सी तैयार हुई है तो मैंने लिया है ग्लास और इस ग्लास में सबसे पहले हम डालेंगे आइस क्यूब्स, ढेर सारी आइस क्यूब्स डालेंगे ताकि खूब चिल्ड किस्म की लस्सी हम बना के पिएँ, क्योंकि इतने गर्मी के मौसम में अगर हम लस्सी पियेंगे तो खूब चिल्ड पीनी चाहिए, क्योंकि इससे लस्सी पीने का बहुत मज़ा आता है। हाफ़ ग्लास जो है मैंने मैंगो लस्सी का इसमें डाल दिया है। फिर इसके बाद इसमें हम थोड़े से मैंगो के चंक्स डालेंगे इसके अंदर। ये डालने के बाद फिर इसके ऊपर बाकी की जो लस्सी है वो हम डालेंगे। इसको ग्लास को फुल कर देंगे और ग्लास जब हम कंप्लीट भर लेंगे इस तरीके से, तो थोड़ी सी आपने स्पेस रखनी है, क्योंकि इसमें अब हम डालेंगे एक और चीज़ और वो हम डालेंगे इसके ऊपर चिया सीड्स 1 टेबलस्पून भर के। मैंने पहले से भिगो के रख लिए थे और इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, आप गर्मियों में ज़रूर पिया करें। तो इस तरीके से आप देखें हमारी जो मैंगो की लस्सी है ये बन के तैयार हो गई है। बहुत ही मज़ेदार, देखने में इतनी शानदार लग रही है और पीने में खूब चिल्ड किस्म की मज़ेदार ठंडी लस्सी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी और गर्मियों के सीज़न में स्पेशल ड्रिंक है ये, जो आप बनाएंगे तो इसको एंजॉय करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ अच्छी लगती हैं लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट्स में बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।